Allah, more than African and not merciful. Assalamualaikum to all of you. आज हम लोग बात करेंगे कि what is the difference between the sort of question, hypothesis and propositions. जैसे हम लोगों ने बात की थी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस प्रोड्यूस किए जाते हैं जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च क्वेश्चन होते हैं. रिसर्च क्वेश्चन क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर भी होते हैं जबकि मोर फोकस्ड फॉर्म में जो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर सिर्फ क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन होते हैं. और हमने जैसे लास्ट टाइम भी बात की थी कि वो ओपन एंडेड होती है. ओपन एंडेड के अगला जो रिस्पोंडेंट है उसको इस तरह से रिस्पॉन्स करे कि हम लोगों को मुख्य तरह के पर्सपेक्टिव मिल सके और उसके पास गुंजाइश हो ज़्यादा बोलने की. और फिर हम उसके डाटा में से जो भी वो बताता है उसके अंदर से हम लोग चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. इसी तरह जो रिसर्च क्वेश्चन है एक तो वो ओपन एंडेड होता है, मतलब हाउ के क्वेश्चन होंगे. जो व्हाट के क्वेश्चन है ना, व्हाट क्वेश्चन किसी भी फिनोमेना के बारे में ही है क्या, उसको वो व्हाट के क्वेश्चन जो हैं वो किसी भी क्वालिटेटिव रिसर्च में भी होते हैं, क्वान्टिटेटिव में भी होते हैं. लेकिन जो वर्ड के क्वेश्चन हैं वो एक आपको ना लिमिटाइज कर देते हैं. इसीलिए जहाँ पर लिमिटाइज करते हैं वहाँ पर हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन यूज ना करें. लेकिन जब भी हमने एक फिनोमेना को नए फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना है तो हम लोग एक वर्ड का क्वेश्चन स्टार्ट में डालेंगे कि व्हाट ये जो फिनोमेना व्हाट इज व्हाट दिस रिसर्च या दिस फिनोमेना इज अबाउट. तो हम लोग एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डालेंगे. लेकिन हमारा जो कोर क्वेश्चन होता है रिसर्च क्वेश्चन वो हमारा हाउ से शुरू होता है और हाउ से हमने इंक्वायरी करनी होती है. जितने भी हमारे रिसर्च क्वेश्चन हैं वो हाउ के ऊपर बेस्ड होते हैं. इसी तरह से जो हाइपोथेसिस है और उनमें प्रोपोजिशन क्या चीज़ है, इन तीनों के बारे में जो हमारा डिफरेंस है वो हमारी आज का जो है वो टॉपिक है. तो लेट्स स्टार्ट. और हाउ टू फाइंड रिसर्च क्वेश्चन टू डू क्वालिटेटिव रिसर्च. सबसे पहले आपने रिसर्च क्वेश्चन कहाँ से ढूंढना. रिसर्च क्वेश्चन कोई भी इंक्वायरी है वो कहाँ से आती है, वो आपके रिसर्च स्टडी के गैप से टॉपिक से आएगी. टॉपिक एक आपने चेक किया, उसके बाद आपने उसके बाद रिसर्च आर्टिकल्स देखे. रिसर्च आर्टिकल्स देखने के बाद आपने देखा कि इसके जो फ्यूचर डायरेक्शंस हैं या इसके अंदर जो हमें डायरेक्ट कर रहा है तो हमें किसी गैप की तरफ लीड कर रहा है. तो वो हम वहाँ से एक प्रॉब्लम एरिया में से एक गैप को आइडेंटिफाई करेंगे. गैप क्या चीज़ है कि एक रिसर्च गैप है जिसमें उस रिसर्चर ने जिसने एक स्टडी की है उसने उस जब लिटरेचर को पढ़ा उसके पूरा मुकम्मल एनालिसिस करते हुए उसके बाद उसने सोचा कि इसके अंदर मज़ीद ये वाले हैं एवेन्यूज जो कि खुलते हैं फॉर द फर्दर रिसर्च. तो वो उन फ्यूचर डायरेक्शन पूछना के जरूरत होता है. तो हम इसके बारे में ये स्लाइड क्या कहती है इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिर हम आगे करते हैं. हाउ टू फाइंड रिसर्च क्वेश्चन टू डू क्वालिटेटिव रिसर्च. फाइंडिंग अ रिसर्च क्वेश्चन फॉर क्वालिटेटिव इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट. सबसे पहले आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा. एंड फॉर्मुलेटिंग एन ओपन एंडेड इंक्वायरी दैट एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज नुआंसेस एंड मीनिंग्स ऑफ द फिनोमेना अंडर स्टडी. तो जो भी होगा उसकी हमने एक ओपन एंडेड सा क्वेश्चन बनाना है. और उसके बाद अनलाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च which often begins with the hypothesis to be tested, qualitative research typically starts with an exploratory approach aimed at understanding and interpreting social phenomena in their natural context. आगे चलते हैं. इसके बाद how to find research questions to do qualitative research. इसके बारे में अब ये मुकम्मल ये वो है प्रोसेस ये मैंने एक्सप्लेन करवा दिया. एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट. सबसे पहले हमने अपना इंटरेस्ट देखना है कि हमारा किस एरिया में हमारा इंटरेस्ट है. जैसे हम बिजनेस रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं तो बिजनेस रिसर्च के रैली में भी आपने कोई इंटरेस्ट अपना फाइंड करना है. मतलब ऐसा ही नहीं होता है जैसे मुझे ना बायोलॉजी में इंटरेस्ट आई है तो मैं उसमें कर लूँ रिसर्च. ऐसा नहीं करना. हमने अपने एरिया को भी जस्टिफाई करना है कि हम लोगों की जो डिग्री है वो कौन से एरिया में. अगर आप उसमें बायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर अपने जस्टिफाई करेंगे. तो अपना इंटरेस्ट एरिया को एक्सप्लोर करना, ठीक है. अब और इंटरेस्ट एरिया में मतलब जिस तरह से बिजनेस रिसर्च के अंदर आपको कौन सा लगता है कि आप उसके ऊपर काम कर सकोगे. फिर रिव्यू. अब ये है सारी सोशल साइंसेज के रिसर्च, बहुत सारी जो सोशल साइंसेज आपको इंक्वायरी मिलेंगी जो क्वालिटेटिव से रिलेटेड है क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च ओवरऑल सोशल साइंसेज की स्टडीज है स्टडी को करने के लिए की जाती है. तो अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले फाइंड करना है, फिर उसके बाद रिव्यू करना है लिटरेचर को, इंगेज विद द फिनोमेना. उसमें 3-4 आर्टिकल मज़ीद पढ़ने हैं और उसमें देखना चाहिए हमें क्या गाइड करता है और इंगेज करना है अपने आप को उस फिनोमेना के साथ कि अच्छा ये अगर बात है, ये फिनोमेना है तो ये हमें कहाँ पर मिल सकता है, ये कहाँ पर कौन लोग होंगे। तो अपने आप को उस चीज़ के साथ ज़रा अपने आप को लिंक अप करना है। फिर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन आप पूछेंगे। फिर क्वेश्चन रिसर्च अप्रोच, मतलब कौन सी क्वालिटेटिव अप्रोच में ग्राउंड थ्योरी करने लगे हैं, फिनोमेनोलॉजी, एथनोग्राफी, नैरेटिव, ये स्टडी आप करने का लगे हैं। तो अपने रिसर्च अप्रोच हमने कौन सी करनी है। रिफाइन योर रिसर्च क्वेश्चन। देखिए जो फर्स्ट दफ़ा रिसर्च क्वेश्चन जो भी होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एंड तक वही हो, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ रिफाइनमेंट करते रहेंगे, उसमें देखते रहेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक्सप्लोरेटरी नेचर की रिसर्च कर रहे हैं। इसी वजह से जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है वो भी रिफाइन होते होते, स्पेसिफाई होते होते उसकी भी शेप चेंज होगी। रिफाइन योर रिसर्च क्वेश्चन, फिर आर्टिकुलेट योर रिसर्च क्वेश्चन अपने इसमें कि क्लियरली आर्टिकुलेट योर रिसर्च क्वेश्चन फॉर इंटरप्रेटिव स्पेसिफिक फोकस्ड एंड फिजिबल गिवन द स्कोप ऑफ योर स्टडी, जो कि आपकी स्टडी के स्कोप को डिफाइन कर दे। डिफरेंस फ्रॉम दी हाइपोथेसिस, जो रिसर्च क्वेश्चन है वो किस तरह से हाइपोथेसिस से डिफरेंट है, ये हम इस स्लाइड के अंदर देखते हैं कि ये वो हमें क्या बता रही है। रिसर्च क्वेश्चन इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली ओपन एंडेड एंड एक्सप्लोरेटरी, इनवाइटिंग इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ स्टडी। In contrast, hypothesis in quantitative research is specific, testable statement that predicts the relationship between variables and guides the research process towards confirming or refuting the hypothesis. ठीक है, तो या तो confirm कर देते हैं या फिर reject कर देते हैं, refute कर देते हैं hypothesis को। इसी तरह while a hypothesis seeks to establish causal relationships, कि इसका cause क्या है, इसका effect क्या है, and test predictions. A research question in qualitative research seeks to understand and interpret the meaning, experiences and perspectives of individuals within their social context. अब इसका मतलब क्या है सारे को कि आपने ओपन रखना है, हमने क्लोज नहीं करना, मतलब इसका इफेक्ट इसको नहीं देखना, बल्कि हमने कॉजल रिसर्च नहीं करनी, बल्कि हमने एक ओपन एंडेड अंडरस्टैंडिंग के लिए, और हमने नए एवेन्यूज को देखना, नए वेरिएबल तो नहीं कहेंगे, थ्योरेटिकल डायमेंशन को देखना। तो ये जो चीज़ें हैं कि एक कॉन्सेप्ट को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो किया जाता है रिसर्च क्वेश्चन है। और हाइपोथेसिस जो है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश लिटरेचर में से ही बनाए जाते हैं और उसके अंदर उनको फिर टेस्ट किया जाता है कि उसको वैलिडेट करने के लिए कि ये जो थ्योरी है, ये जो मैंने प्रपोज किया था, तो ये मैंने कॉन्टेक्स्ट में अपने अप्लाई करके देखा है, तो ये तो वैलिडेट होता है। अब जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने रिसर्च क्वेश्चन प्रोड्यूस किया है और उससे रिलेटेड आपने बहुत सारे थ्योरेटिकल डायमेंशन को आइडेंटिफाई किया, आपने कहा कि ये थ्योरेटिकल डायमेंशन है, इसके अलावा भी हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वहीं पर ही क्लोज कर दें, बल्कि आप उसको ऑन गोइंग भी रखते हैं, मतलब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है वो चेंज हो जाए, क्योंकि सोशल फिनोमिनाज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाता है, और वो कॉन्टेक्स्ट भी एक चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसके बाद अब यहाँ पर जो रिसर्च क्वेश्चन, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया, एक एक चीज़ को देख के कि अच्छा इसका क्या होगा। तो रिसर्च क्वेश्चन, फिर हाइपोथेसिस में डिफरेंस, और फिर प्रोपोजिशंस जो हैं वो भी हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ज़्यादातर बनाते हैं, और ये भी आपकी स्टेटमेंट होती है, मतलब जैसे आपकी वो कॉजल रिलेशन होता है ना हाइपोथेसिस के अंदर। इसी तरह से प्रोपोजिशंस जो हैं वो एक स्टेटमेंट होती हैं, और वो टू वे भी हो सकती है, और इसके अलावा वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, और वो डाटा से भी ड्राइव की जा सकती है, आपकी थ्योरी से भी आ सकती है, उसको आपने आगे ना उसको एक्सप्लोर करना। तो अब यहाँ से ऐसे है कि आपकी ऑब्जर्वेशन से भी आ सकती है जो आपके प्रोपोजिशन हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे ना पर्पस क्या है, रिसर्च क्वेश्चन इन क्वालिटेटिव रिसर्च, हाइपोथेसिस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, और पर्पस एम। अब इसका जो रिसर्च क्वेश्चन का एम टू एक्सप्लोर अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट फिनोमेना, इसका तो पर्पस हो गया। अब एम टू टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इसी तरह से प्रोपोजिशन है एक्सप्लोर अंडरस्टैंड इंटरप्रेट टेस्ट रिलेशनशिप्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है ये। अब यहाँ पर देखें कि जो प्रोपोजिशंस हैं एक्सप्लोर भी करना है, हमने अंडरस्टैंड भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है। अब यहाँ पर हो सकता है कि हम वहाँ पर टेस्ट भी कर रहे हों रिलेशनशिप को, वेरिएबल्स को, ठीक है जो उसके अंदर है। तो प्रोपोजिशंस जो हैं वो प्योर क्वालिटेटिव रिसर्च से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। और मैं आगे चल के आपको बताऊँगी आने वाले लेक्चर्स में कि प्रपोजिशंस जो हैं वो इसमें मेरा टेस्ट रिलेशनशिप वेरिएबल कैसे हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जैसे ना मिक्स मेथड की भी बात की हुई है, मिक्स मेथड के अंदर ये चीज़ यूज होती है, प्रपोजिशंस यूज हो सकती हैं। इसी तरह से कुछ रिसर्चर्स हैं जो कि गुरुज हैं जिन हो गए, उन्होंने वो कहते हैं प्रोपोजिशंस बननी चाहिए, जबकि जो दूसरे रिसर्चर्स हैं जो कि क्वालिटेटिव के गुरुज हैं जिसमें मरियम है या स्टेक हैं, तो रॉबर्ट स्टेक, वो कहते हैं नहीं होनी चाहिए प्रोपोजिशंस, आपको वो ओपन रखना चाहिए। तो प्रोपोजिशंस जो है वो आप बना भी सकते हैं, जबकि आप अपनी या नहीं भी बना सकते, या आपने अगर बनाई है तो आप जिनके पूरे रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो रिसर्च क्वेश्चन। अगर आप अपनी प्योर क्वालिटी की स्टडी करते हैं तो इसके अंदर आप सिर्फ रिसर्च क्वेश्चन को बेस बनाते हुए अब हमें पूरा अपना जो रिसर्च डिज़ाइन है वो डिफाइन करना है। इसके बाद जो नेचर है रिसर्च क्वेश्चन की ओपन हैंडेड है, इसकी वजह से अनफ्लेक्सिबल है। हाइपोथेसिस जो है इन क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर स्पेसिफिक, टेस्टेबल एंड प्रेडिक्टिव। स्पेसिफिक है, टेस्टेबल और प्रेडिक्टिव होता है, मतलब अगर ये इसमें है तो जनरलाइजेबिलिटी इसके अंदर हो जाती है जिसका हिसाब होता है। इसी तरह प्रोपोजिशन के ओपन एंडेड, एक्सप्लोरेटिव, फ्लेक्सिबल, स्पेसिफिक, टेस्टेबल और ये प्रेडिक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोपोजिशन के। इसके बाद जो फोकस है रिसर्च क्वेश्चन का, सीक्स टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स, एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव्स, जबकि हाइपोथेसिस सीक्स टू एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप एंड टेस्ट द डिफरेंस। और फिर अंडरस्टैंड मीनिंग्स, एक्सपीरियंस, अब ये प्रोपोजिशन के अंदर अंडरस्टैंड मीनिंग, एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव्स और एस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप, टेस्ट एंड प्रेडिक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाता है। इसके बाद स्कोप क्या है, ब्रॉड है और कॉम्प्रिहेंसिव है। किसका, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन ओपन एंडेड होता है, इसका स्कोप ज़्यादा ब्रॉड है, हम इसको क्लोज नहीं कर रहे, हम उसको वैसे हम ओपन एंडेड रखते हैं। और इसी तरह से जो हाइपोथेसिस का नैरो होता है, स्पेसिफिक होता है, लॉजिकल होता है, और उसके अंदर प्रोपोजिशन का ब्रॉड, कॉम्प्रिहेंसिव, नैरो और स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक है। ब्रॉड भी हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। इस यूज़ ऑफ लैंग्वेज में इनवाइट एक्सप्लोरेशन, हम जब रिसर्च क्वेश्चन क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे तो हम लोग एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन की एंड इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। और यहाँ पर जब हम हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो स्टेट, प्रेडिक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। और फिर प्रोपोजिशंस के अंदर इनवाइट एक्सप्लोरेशन, रिफ्लेक्शन, इंटरप्रिटेशन, स्टेट्स, प्रेडिक्शंस एंड रिलेशनशिप्स एंड वेरिएबल्स। इस रिलेशन टू वेरिएबल्स क्या है, लेस कंसर्न विद वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप्स। हम इसके अंदर प्योर क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, फिर रिसर्च क्वेश्चन होता है, हम अपने वेरिएबल्स और उसके साथ हम लोग रिलेशन हम डिस्कस नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते वेरिएबल्स की। तो इसी तरह से सेंट्रल फोकस ऑन वेरिएबल्स एंड देयर इंटररिलेशनशिप। और इसी तरह से प्रोपोजिशन जो है कंसर्न वेरिएबल्स, रिलेशनशिप्स, सेंट्रल फोकस, वेरिएबल्स एंड इंटररिलेशनशिप। अच्छा, वेरिएबल्स के बारे में बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, ये प्रोपोजिशन के अंदर। इसी तरह डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी, टिपिकली स्टार्ट विद इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, और टिपिकली स्टार्ट विद हाइपोथेसिस टू बी कन्फर्म, रिफ्यूटेड, स्टार्ट इंक्वायरी, डिस्कवरी स्टार्ट, हाइपोथेसिस कन्फर्म एंड रिफ्यूटेड, ये दोनों हो सकते हैं। यानी कि जो हम लोग दो हो सकते हैं, एक प्रोपोजिशन के अंदर से 2-3 हाइपोथेसिस निकलते हैं, 1 वे 2 वे या किसी भी वे से हम लोग उसमें से निकाल रहे हैं और उस तरह से हम लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसको टेस्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह से टेस्टिंग हाइपोथेसिस नॉट एप्लीकेबल इन क्वालिटेटिव रिसर्च और एसेंशियल इन क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और एप्लीकेबल क्वालिटेटिव रिसर्च, एसेंशियल इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च के कर रहे हैं, प्रोपोजिशन डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग उसको टेस्ट भी कर रहे होंगे, और ये सारा काम कर रहे होंगे जो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं करते हम लोग। तो आउटकम क्या हो गया, जनरेट इंसाइट्स, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन और कंफर्म द रिफ्यूट या हाइपोथेसिस, एस्टैब्लिश एम्पिरिकल एविडेंस। इसी तरह जनरेट इंसाइट्स, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, कंफर्म्स, रिफ्यूट्स, हाइपोथेसिस, एस्टैब्लिश एम्पिरिकल एविडेंस। कॉमन अप्रोचेस हैं एथनोग्राफी, क्रिमिनोलॉजी, ग्राउंड थ्योरी के अंदर हम लोग, और केस स्टडी रिसर्च के अंदर भी हम लोग रिसर्च क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। और इसी तरह से अगर कोरिलेशनल है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, वहाँ पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जबकि प्रोपोजिशंस एथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजी, ग्राउंड थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, डिस्क्रिप्टिव, सब के अंदर हम लोग प्रोपोजिशंस को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से रिसर्च क्वेश्चंस एंड प्रोपोजिशंस के दरमियान में ये देखना है, जैसे हमने लास्ट वाली स्लाइड में देख लिया। इस तरह से हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, रिसर्च पर्सन क्वालिटीज, रिसर्च पर्सन गाइड्स एंड क्वेरी प्रोसेस, दे आर्टिकुलेट ओवररीच इंक्वायरीज और टॉपिक्स दैट द रिसर्चर एंड टू एक्सप्लोर। रिसर्च पर्सन आर टिपिकली ओपन एंडेड एंड ब्रॉड, allowing for the exploration and discovery within the research context. These questions provide the framework for the qualitative investigation. इसी तरह से propositions जो हैं, propositions in qualitative research can be served as tentative assertions or claims about the phenomena under study. While propositions can be derived from existing theory, they can also emerge from the data itself. इसमें data के अंदर से भी निकाल सकते हैं या हम लोग existing theory से भी निकाल सकते हैं, जबकि जो hypothesis है वो हमारा डाटा में से नहीं आता, वो आपकी ऑलरेडी एस्टेब्लिश थ्योरी में से आता है हाइपोथेसिस जो है। और प्रोपोजिशंस के अंदर फ्रॉम डाटा इटसेल्फ ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस, प्रोपोजिशंस आर ऑफन यूज्ड टू गाइड डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस और प्रोवाइडिंग फोकस फॉर द रिसर्चर्स अटेंशन। गाइड डाटा जो प्रोपोजिशंस हैं वो हमें एक हमने डाटा के साथ इकट्ठा करना है, वो हमें वो भी गाइड करता है। कनेक्शन बिटवीन प्रोपोजिशंस एंड रिसर्च क्वेश्चंस लाइज इन हाउ propositions can help define and operationalize research question in qualitative inquiry. और हम उसको operationalize कैसे करें अगर हम उसको qualitative research के अंदर यूज करें। Proposition can be seen as more specific expression of aspect of the broader research question. और specific expression क्या कह सकते हैं, proposition को हम लोग inverted commas में लिखते हैं, 3-4 लाइनें होती हैं इसकी, तो उससे हमें ये specificity का पता चल जाता है। और जबकि research question है वो सिर्फ एक question की form में होता है। This can guide the researcher in designing research protocols, selecting data collection methods, effective data analysis, procedure to explore and test these assertions within the context of the broader research process. अच्छा जी, यहाँ से अब hypothesis, propositions के दरमियान में basic difference, definition, testable statement about the relationship between variables, a statement or assertion that expresses a judgment और ओपिनियन अबाउट द टॉपिक। ठीक है, तो ये ओपिनियन भी हो सकती है और या जजमेंट भी हो सकती है, और ये डाटा से भी आ सकती है, आपकी फील्ड से भी आ सकती है। प्रोपोजिशन से पर्पज को टू प्रपोज एन एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमेना और टू मेक अ प्रेडिक्शन, और इट टू एक्सप्रेस एन आइडिया, यहाँ पर एक्सप्रेस एन आइडिया, बिलीफ और आर्गूमेंट, उसको अपने आर्गूमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोपोजिशन को यूज करते हैं। और वेरीफाइबिलिटी कैन बी टेस्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन, और इसी तरह से प्रोपोजिशन में और में नॉट बी डायरेक्टली टेस्टेबल, ऑफन सर्व्स एज अ बायस एंड डिस्कशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। स्कोप क्या है, यूजुअली स्पेसिफिक एंड फोकस्ड एंड पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ थ्योरी और रिसर्च क्वेश्चन कैन बी ब्रॉड एंड एनकम्पासिंग, प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर डिस्कशन और एनालिसिस। और फॉर्मुलेशन क्या, टिपिकली स्टेटेड एज एन इफ देन स्टेटमेंट प्रेडिक्टिंग द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और स्टडी। कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, ये प्रोपोजिशन जो है वो मुख्य तरह की फॉर्म इंक्लूडिंग डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स, ओपिनियंस और आर्गूमेंट्स। इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट जो है वो साइंटिफिक होता है। इसी तरह से जो प्रोपोजिशन का फिलोसफी, रेटोरिक एंड सोशल साइंसेज है, इसका कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल्स और इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ विल रिजल्ट इन हायर क्रॉप यील्ड। और डेमोक्रेसी और इसकी जो प्रोपोजिशन की एग्जाम्पल है, डेमोक्रेसी द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और रिजल्ट सब्जेक्ट टू एम्पिरिकल टेस्टिंग टू डिटरमाइन वैलिडिटी और मे रिक्वायर इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन रेदर देन डायरेक्ट टेस्टिंग। तो ये था जी, ये थोड़ा सा आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।